सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपका अहंकार है झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया, तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है, अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट हैं, उसने आपको बनाया है। उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था। अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बड़ा बारी इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ, इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बार समझ में आती है, क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से संसार में आए हैं, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया है पृथ्वी के अंदर में, भूगर्भ में। आप कहते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहाँ से आई, इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझ लेने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति की ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे, और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज़ लक्षित होती है, अब वो है आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतनी बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त यह भी कहा गया था कि गर इसकी जगह एक गर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे, ये कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है। अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए, उसी अहंकार में पड़े हुए, और अभी तक यही सोच रहे कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफ़ी मांगे परमात्मा से
कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी दे सकते। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है, वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वरण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया, कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया, और उसको दुख देने वाले मनुष्य रहे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ, सत्युग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधु को अब आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया, अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए, और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है, ये आपको समझ लेना चाहिए, और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं माना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूँ तो उसको माना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए गर्व अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे माना चाहिए। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म होगा, मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ? कहले वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहले वो कहते हैं मैं ईसा मसीह हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कोई गधा भी कह सकता? किसी के कहने से थोड़ी था कि मैं ईसा मसीह हूँ तो ईसा मसीह हो जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को कहो, उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोके, अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह, अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं। तो उनका वो तो ये भी कुछ भी नहीं करते। बाद में पता हुआ कि वो काफ़ी रुपया रुपया ले करके लोगों का भाग गए। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राखहु तैसे ही रहो। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं, कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारात ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूँ। शादी में भी वो गए थे, शादी में गए वहाँ जाकर सब व्यवस्था करी। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया, अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ लिया कि वो तो भाई शराब बनाते। वाइन का मतलब अभी भी इसराइल में अगर आप जाएं या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं होता। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब करना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती हैं इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व के थे। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहाँ पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं, और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है इसलिए हमेशा हरेक गुरु ने, फिर वो नानक हो चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सॉक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाही, क्योंकि उनका तत्व यह है जिसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य यह है कि आपको धर्म स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाई। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना, वो कार्य उन्होंने किया। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्त्रार में तोड़ना, पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है मुझे हरेक के बारे में कहना पड़ता है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है, और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में, और शिवादि वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं सबके बारे में कहना, क्योंकि आज समग्रता का समय है और इसलिए समग्रता की बात